अपना AK-47 तो शीशे में बुलेट प्रूफ कर देती काम। जब हमने इसको तैयार कराया था तो AK-47 की स्पीड की टेक्नोलॉजी इस पे प्रयोग करके ही हमने इसको ऑर्डर दिया था। धीरे धीरे पर्दा उठेगा, तालियां बजेंगे। आफ्टर द ब्रेक मिट्टी ठीक है, ऐसे करके आपको एक ही जगह 10 गोलियां मारनी पड़ेगी। एक ही जगह पे? बिल्कुल एक ही जगह। बोर क्या होना चाहिए? 32 बोर 9 एमएम कैसा? ओनली 47 9 एमएम और 32 तो इस को कुछ कर ही नहीं, असर ही नहीं करेगी, असर ही नहीं। चाहे पूरी मैगजीन खाली कर लूं, चाहे पूरी मैगजीन कर दो, चाहे दो मैगजीन कर दो, चाहे 10 मैगजीन कर दो। आपको दिखाते हैं बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर प्रूफ, और ये वन इन इंडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा इस पे सेफ्टी पे लगे हुए हैं। कोई 50 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख इसकी सेफ्टी पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। और पूरी गाड़ी आपको दिखाई जाएगी, पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। चलिए फिर सर, कैसे हैं आप? अमित भाई कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अमित भाई। आप इस गाड़ी के बारे में बताओ, क्योंकि मैं कल से कह रहा हूँ कि ऐसी गाड़ी दिखाएंगे आपको, उसकी क्या मतलब, इसमें क्या खासियत है? अमित भाई, इस गाड़ी के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। ये 100% आपकी जीवन की, आपकी जिंदगी की गारंटी देती है। इसकी फरश 100% बिल्कुल बुलेट है। इसकी छत और फरश और इसके शीशे, जितने की ये गाड़ी है उतना ही इसमें खर्चा। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, पूछूं, क्योंकि कई भाई कहेंगे भाई बुलेट प्रूफ है तो मैं एक गोली इसके पैरों मार दूंगा जी। फिर 70% ये टायर भी सेफ है। फायर मारा तो? फायर मारने के बाद भी ये 100 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलती रहेगी, उसी स्पीड में चलती रहेगी जिस स्पीड में ये गाड़ी में फायर मारा गया था। अच्छा, और सुना AK-47 तो शीशे में बुलेट प्रूफ कर देती काम? जब हमने इसको तैयार कराया था तो AK-47 की स्पीड की टेक्नोलॉजी इस पे प्रयोग करके ही हमने इसको ऑर्डर दिया था बनवाने के लिए। क्या बात है। और उसके लिए आपको एक ताज़ा उदाहरण देंगे। आप पीछे चलो और वो ग्लास दिखाएंगे इसका, कितना सेफ्टी है। चलो आओ फिर देखते हैं। आओ बाहर से देखो, हम बंद करेंगे, करो लो। गेट गेट भी बहुत भारी है इसका तो। तो अभी तो अच्छा, दो मिरर हैं, एक दो शीशे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो दोस्तों पूरी गाड़ी ना दबी हुई है, मतलब कि इसमें इतना वेट है कि ये लगा लो मेरे ख्याल से। साइड से इसका साइज देखो, साइड से किनारे से। ओ भाई साहब, और ये गेट है कितना भारी सच में। ये मेन इसका हर पार्ट बड़ा। क्या बात है। सारी गाड़ी इसमें कितना वेट होगा दादा? अमित भाई, जहां तक मुझे इसके बारे में पता है, अगर ये गलती से अंदर से लॉक हो जाती है। अच्छा, सेंटर लॉक, ठीक है, तो सिर्फ JCB एक इसका ऑप्शन है, JCB से इसे फाड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं इसका कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, खुदरा खास्ते लोग हो गई ऐसे, और बंदा इसके अंदर है ऐसे लोग हो गई। गेट कितना भारी, आवाज़ देखी इसकी। तो इसको सिर्फ JCB से ही आप उखाड़ के आप बंदे को बचा सकते हैं। अच्छा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। क्या बात है। और बाकी अमित भाई आप अगर वो गाड़ी वही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इसकी हर चीज अलग तरीके से तैयार की हुई है। आपको सुरक्षित 100 किलोमीटर तक ले जाते हैं, तो इस दौरान तो बहुत डिस्टेंस मिल जाता है। बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, वजन के कारण। अच्छा, ये बस इतनी ही खुली। आप एक ही जगह राउंड मारोगे तो पहले एक गोली पे 90% बचेगी, ठीक है, फिर दूसरी गोली पे 80, ठीक है, ऐसे करके आपको एक ही जगह 10 गोलियां मारनी पड़ेगी। एक ही जगह पे? बिल्कुल एक ही जगह। बोर क्या होना चाहिए? 32 बोर 9 एमएम कैसा? ओनली 47 9 एमएम और 32 तो इस
उसको कुछ कर ही नहीं, असर ही नहीं करेगी, असर ही नहीं। चाहे पूरी मैगजीन खाली कर लो, चाहे पूरी मैगजीन कर दो, चाहे दो मैगजीन कर दो, चाहे 10 मैगजीन कर दो, वो तो इसके लिए एक छोटा कैप्सूल है। अच्छा, AK-47 और कार्बाइन ही लगातार एक जगह मारोगे 10 गोलियां, तब जाके भी चांस है 10% फिर भी बचाव है। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा डाउट ना टायरों पर रहता था, जैसे अम्मा का बुलेट प्रूफ है, एक टायर में गोली मार दी खत्म। ये टायर में टेक्नोलॉजी के अनुसार इसमें जेल है। अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी जो हमें नहीं बताते नहीं, हाँ। लेकिन हमें जो बताया गया है, हाँ। अगर गाड़ी की स्पीड 70 या 80 है, हाँ। और किसी ने टायर पे गोली मार दी, ठीक है, तो 70 से 80 की ही स्पीड में गाड़ी 50 किलोमीटर तक आराम से चले, तब तक आप सहायता मंगा सकते हो, मदद मंगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने तो पहली बार देखी है, एक बार अनलॉक कर लेते हैं। मतलब इतना भारी है ना गेट, आप तो समझ नहीं पा रहे हो वीडियो में, लेकिन इसकी आवाज से ही महसूस करो अमित भाई। और जो मेन है ना, ये देखो मोटाई देखो, इसके अंदर भी इतनी मोटी चादर लगती है, इसमें भी पूरी चादर है, बिल्कुल पूरी चादर है लोहे की, बिल्कुल तीन परत होती है। एक मैं बैठता हूँ अंदर, एक पी देते हैं, कैमरा दिखाओ एक बार, एक सेकंड, एक वैसे गन का हाथ कर लेना, गन तो नहीं है, ऐसे करना शूट, मैं शूट करूंगा एक, मतलब बाहर से। बंद करना गेट, बंद करना, फील तो देखें, करना गन। अच्छा, अरे भैया बुलेट प्रूफ है, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्यों अपनी गोलियां खराब कर रहे हो? नहीं नहीं, और कुछ आपको बताना हो जो हमें ना पता हो, जो हम बताना चाहते हैं? मेरा तो मानना ये है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। ये तो है, सरकार से जब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी, जान है तो जान है, हमारी तरह सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बाकी ऊपर वाला है, ऊपर वाले ने जो लिख रखी है वो तो होना ही है, तो होकर रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप सेफ और सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही बात है। तो उस्ताद जी आपको कुछ कहना है इस बारे में? गाड़ी के बारे में जो भाई ने बताया ना, वो 100% सच्चाई है, क्योंकि आज हमने अपने आंखों से हकीकत देखी है, बैठ के भी देखा है, इसको खोल के भी देखा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम के देखा है, और अंडर प्रेशर देख रहे हैं आप, वजन की वजह से टायर भी नहीं, वेट तो बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा वेट है गाड़ी में, बहुत ज्यादा। और अमित गाड़ी है, अमित भाई उस्ताद जी तो हमारे पिता समान है, हमारे एक दोस्त भी हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, जब उनका दिल करता है अकेला शहर में घूमने का तो वो बुलेट प्रूफ में ही निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हमें पक्का यकीन रहता है कि वो सेफ और सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल चैन की सांस, चैन की आराम से सोते हैं। फिर नहीं, हमें पता है कि ये जो बुलेट प्रूफ है, ये हमारे दोस्त को घर से लेके गई है तो घर पे लेके ही वापस आएगी। ये एक तरह से असव में जो घोड़ा था ना, सेम ऐसे ही घर से जाएगा और वापस ही राज दरबार आएगा। क्या बात है। बुलेट गाड़ी के बारे में सुना था, बिल्कुल देखा नहीं था, आज बैठे भी देखा भी समझा भी और हकीकत आप लोगों को दिखाई। बिल्कुल जायज बात है, सही। तो दोस्तों मेरा भी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो भी बाइक कराने की सोचा बस इतना समझ ले कि जो शोकर है ना, शोकर वो मेरे ख्याल से, अंगूठा दादा शोकर कितने चलते हैं इसके? क्योंकि शोकर 6 महीने में, 1 साल में 2 बार बदलवाते हैं भाई इसके, क्योंकि इस पे खड़ी खड़ी पे है ना वजन। एक मेन बात, इसमें वेट कितना होगा ये लगने के बाद? अमित भाई ऐसे अगर हम इसमें अगर अंदाजे से अगर 2500 किलो वजन हुआ गाड़ी में, ठीक है, तो करीब करीब 1000 किलो आप ऊपर से इसके सेफ्टी यंत्र को जोड़ लो। हाँ, मतलब 1000 किलो है उसका जो इसमें एक्स्ट्रा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उस कारण अमित भाई उसी ही कारण इसके शोकर बदले जाते हैं। मतलब 10 बंदे हमेशा गाड़ी में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, इसमें ये समझो अगर आप अकेले ही ड्राइव कर रहे हो ना, तो ये समझो कि 9 से 10 आपके साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं इसकी सेफ्टी यंत्रों के कारण। इतना वेट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो शोकर खड़े खड़े गाड़ी वजन के कारण हर साल 2 बार बदलवाए जाते हैं। मतलब ये मोटा खर्चा है। बिल्कुल, शोकर का ही इसका मोटा खर्चा है, बाकी एवरेज इसकी कम है। कितनी एवरेज होगी अंदाजा? एवरेज अगर नॉर्मल गाड़ी 10 की देते हैं तो ये 5 के करीब मानो, आधी। बिल्कुल, क्या बात है। और सबसे मेन बात क्या है, जिंदगी है और शोक की कोई कीमत नहीं। शोक की कोई कीमत नहीं, शोक बड़ी चीज है। ये बात सही गई। तो दोस्तों ये बात सच है, शोक बड़ी चीज है, लेकिन जिंदगी है, वो किसी ने कहा था, जान है तो जहान है, क्यों। तो वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्यों। जब वीडियो शेयर होगी तो लोगों को पता लगेगा कैसे, मतलब अच्छी तरह रहा जाता है, अपनी सेफ्टी कैसे रखी जाती है। सेफ्टी जैसे कार जिंदगी जो लिखी है वो तो परमात्मा ने उतनी ही लिखी है, लेकिन अपने हाथ में भी होता है सेफ रहना।
तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन है फ्री। तो दोस्तों अब चलते हैं, और बहुत 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 अच्छा लगा अंगू दादा से मिलके, बहुत मज़ा आया और बहुत खाया पिया। अंगू दादा की आदत है मतलब कि वो फिट नहीं होने देना, है ना, ऐसा है ना। मेरा मानना ये है कि भाई खाते रहो पीते रहो, जन्म एक मिलेगा। ये बात तो सही है, बाकी भाई की तरह मेहनत भी करते रहो। बिल्कुल हाँ, मेहनत भी जरूरी है। उस्ताद जी आपको क्या कहना है, इधर इधर आके आ जाओ, लो ये लो, जैसा चाहे वैसा पाया, एक एक वर्ड से हकीकत सच्चाई बताई, और जिस बारे में सोचा था उस बारे में बताया। बिल्कुल, तो चले, ग्रेट पर्सन, आशीर्वाद, ग्रेट पर्सन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, और उस साइड में कैमरा इसलिए घुमा रहा क्योंकि उस साइड ना बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना, वो कभी और दिखाएंगे वीडियोस में, क्यों दादा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि उस कैमरे के पीछे है वो 7 तारीख को, तो ठीक है, मतलब धीरे 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 पर्दा उठेगा, तालियां बजेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, धीरे धीरे पर्दा उठेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।